वार्म वेलकम फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर जीएसटी नोटिसेस। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यदि जीएसटी आर वन और जीएसटी आर थ्री बी के बीच मिसमैच है तो स्क्रूटनी नोटिस आ सकता है फ्रेंड्स। यदि आपने जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की है जीएसटी आर थ्री बी में और जीएसटी आर टू बी के बीच में अगर डिफरेंसेस है, फिर भी जीएसटी का नोटिस आ सकता है फ्रेंड्स। यदि आप जीएसटी आर वन और थ्री बी डिले फाइल करते हैं तब भी जीएसटी का नोटिस आ सकता है। ई वे बिल पोर्टल और जीएसटी आर वन के बीच में भी अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है तो ध्यान रखेगा फ्रेंड्स, जीएसटी नोटिस आ सकता है। यदि सीबीआईसी ने किसी नोटिफिकेशन के द्वारा जीएसटी रेट को घटाया है, फिर भी आप वही रेट पे जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को बेनिफिट करा रहे हैं ऐसा सोचते हैं तो आप गलत कर रहे हैं फ्रेंड्स। आपको प्रॉफिटेयरिंग के सेक्शन लागू हो सकते हैं और आप पे जीएसटी नोटिस आ सकता है। यदि आप जीएसटी पेमेंट कम पे कर रहे हैं या पे नहीं कर रहे हैं, फिर भी सोकोस नोटिस आ सकता है फ्रेंड्स। यदि आप जीएसटी रिफंड रॉन्गली अवेल कर रहे हैं, इंटेंशनली फ्रॉड कर रहे हैं, तो आपको सोकोस नोटिस आ सकता है। यदि फ्रेंड्स आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत लिया है और यूटिलाइज किया है तो उसपे भी आपको जीएसटी नोटिस आ सकता है फ्रेंड्स। अगर आप लायबल है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, आपने क्रॉस कर लिए 20 लाख या 40 लाख की लिमिट और फिर भी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपको नोटिस आ सकता है फ्रेंड्स। इसके अलावा आइस गेट के ऊपर जो शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट लॉन्च किया गया है, सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अगर जीएसटी आर वन में फाइल नहीं की गई है तो मिसमैच के कारण आपको जीएसटी का नोटिस आ सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी डिपार्टमेंट यदि आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है और आपने उसको फर्निश नहीं किया इंफॉर्मेशन, तब भी आपको नोटिस आ सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर जीएसटी अथॉरिटी कोई ऑडिट कंडक्ट करना चाहता है तब भी नोटिस भेजता है, और यदि कोई इंफॉर्मेशन आपसे मांगी है और वो टाइमली आपने उसको प्रोवाइड नहीं की है तो उसके लिए भी आपको जीएसटी का नोटिस आ सकता है फ्रेंड्स। तो ध्यान में रखिए फ्रेंड्स और बचिए जीएसटी नोटिस से। थैंक यू फ्रेंड्स।